हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस एम प्रजापति ड्रीम क्लासेस के एक नए वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, बिना प्रसार किए इसको हल करना है। तो स्टूडेंट्स, इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले LHS लिखेंगे। LHS जरा देखेंगे क्या हो जाएगा, 1 1 1। यहाँ पर जरा देखें BC CA AB। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जरा देखें, यहाँ पर क्या है, AB+C BC+A CA+B। अब स्टूडेंट्स करेंगे क्या, यहाँ पर जरा देखें। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखेंगे इसको C2 को कॉलम C3 में क्या कर दें, जोड़ दें। जरा देखें, C3 = C3+C2। जब स्टूडेंट जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर याद देखेंगे 1 1 1, यहाँ पर क्या मिलेगा, BC CA AB। और स्टूडेंट्स इसमें करेंगे क्या, देखेंगे यहाँ पर AB इसको जब जोड़ देंगे तो BC और प्लस कितना, CA। तो स्टूडेंट जब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखेंगे इस कॉलम में यहाँ पर क्या मिलेगा, इसको इसमें जब जोड़ेंगे तो स्टूडेंट्स मिल जाएगा AB+BC+CA। स्टूडेंट क्रम थोड़ा सा बदला हुआ है गुणा में, लेकिन सारा का सारा पद यही मिलेगा, सारे के सारे एलिमेंट यही आएंगे। जरा देखें, यहाँ पर BC है, BA है, इसको जब जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CA। तो यानी यहाँ पर भी मिलेगा AB+BC+CA। इसी तरह से यहाँ वाला एलिमेंट भी बनेगा AB+BC+CA। अब स्टूडेंट्स करेंगे क्या, हम देखेंगे ये चूंकि AB+BC+CA तीसरे कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में है, इसलिए इसको कॉमन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट जब इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बनेगा क्या भाई, देखेंगे कॉमन लेने के बाद इस तरह से हो जाएगा AB+BC+CA। तो बचेगा क्या ब्रैकेट में, 1 1 1 BC CA AB, यहाँ पर 1 1 1। और स्टूडेंट देखेंगे दो कॉलम बराबर हो गया तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो 0 × इतना पूरा क्या हो जाएगा, 0। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉलम C1 = कॉलम C3। यहाँ पर लिख सकते हैं C1 = C3। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यह आ जाएगा LHS इक्वल टू कितना भाई, RHS। तो स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 क्या है, देखें क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है, हाँ, इन डिटर्मिनेंट B+C Q+R Y+Z C+A R+P Z+X A+B P+Q X+Y इक्वल टू टाइम्स डिटरमिनेंट, हाँ ये दिया हुआ है 2 times डिटरमिनेंट A P X B Q Y C R Z। तो स्टूडेंट जरा ध्यान से देखें, बिना प्रसार किए आपको इसको इसके बराबर सिद्ध करना है ना। तो स्टूडेंट्स जरा यहाँ पर देखें हम लोग किस तरह से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग इसका लिखेंगे भाई LHS। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं, यहाँ से लगाना शुरू करते हैं इसको या यहीं से लगाना शुरू करें, देखें LHS। देखें सबसे पहले उतार लेंगे इसको B+C C+A A+B। और स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें Q+R R+P
p plus q, y plus z, z plus x, x plus y. अब क्या करेंगे भाई, अब जरा देखें, अगर हम लोग पहले रो में इन सबको जोड़ देंगे तो सभी चीज़ें डबल डबल आ जा रही हैं, मतलब सभी चीज़ें दुगनी हो जा रही हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग ऐसे लिखें r1 वन इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो स्टूडेंट्स जब इतना अगर हम लोग लिख रहे हैं और R2 और R3 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इसका मतलब उसकी वैल्यू ज्यों का त्यों रखा जाएगा। केवल चेंज कहाँ पर होगा, R1 में। तो R1 में कैसे चेंज होगा, R1 में इन सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो स्टूडेंट जब यहाँ पर जोड़ेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 2B हो जा रहा है, 2C हो जा रहा है, 2A हो जा रहा है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 2A प्लस B प्लस C। अब स्टूडेंट जब इन सबको इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी इसी तरह से आएगा 2P प्लस Q प्लस R। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसी तरह से 2X प्लस Y प्लस Z, इस तरह से स्टूडेंट्स। अब R2 और R3 को क्या करेंगे, ज्यों का त्यों उतार लेंगे। क्यों, क्योंकि उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ज्यों का त्यों उतार लीजिए, C प्लस ए, R प्लस पी, Z प्लस X, A प्लस बी, P प्लस क्यू, X प्लस वाई, इस तरह से। अब स्टूडेंट्स करेंगे क्या, देखेंगे इसमें से दो 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 है ना, तो दो को क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। दो को सभी में से क्या कर लें, कॉमन ले लें। क्यों, क्योंकि साड़ी का एक प्रॉपर्टी होता है कि यदि किसी साड़ी के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में कोई अवयव के से गुणा हो ना, के से गुणा हो तो के को बाहर ले सकते हैं। यहाँ पर सभी अवयवों में दो से गुणा है तो दो कॉमन बन जाएगा, दो को बाहर ले लेंगे। यहाँ पर बचेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब स्टूडेंट नीचे क्या बनेगा, सी प्लस ए, पी प्लस क्यू, सी प्लस ए, आर प्लस पी, और यहाँ पर जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, यहाँ पर P प्लस क्यू, यहाँ पर क्या बचेगा, X प्लस वाई, X प्लस वाई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ देखें, अब हम लोग अगर इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा दें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बचेगा माइनस से। इन दोनों को जोड़कर अगर इसमें से घटा दें तो इसमें बचेगा माइनस माइनस पी। इसी तरह से इसमें से जोड़कर जब घटा देंगे तो स्टूडेंट बचेगा माइनस यक्स, तो उससे हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब जरा आगे देखें, करेंगे क्या हम लोग, आगे लिखेंगे, देखेंगे आर वन इक्वल टू आर आर वन माइनस आर टू प्लस आर थ्री, मतलब हाँ इस आर वन को चेंज करना है, इस R1 को चेंज करना है। कैसे, इस R1 में से इन दोनों को जोड़कर क्या कर देना है, घटा देना है। तो स्टूडेंट जब देखिए हम घटाएंगे तो दो तो पहले से है, दो पहले से रहेगा, और जब इसको जोड़कर जब इसमें से घटाएंगे ना तो यहाँ पर आएगा माइनस ए, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस पी, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस यक्स। और स्टूडेंट नीचे ज्यों का त्यों रहेगा, क्या आएगा, सी प्लस ए, R प्लस पी, जेड प्लस यक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, यक्स प्लस वाई, इस तरह से हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स करेंगे क्या, अब हम अब जरा देखें इसमें से एक बार इसको माइनस कर दें, एक बार इसको माइनस कर दें, तो स्टूडेंट्स यहां से क्या बचेगा, यहां सी बचेगा, यहां क्या बचेगा, बी बचेगा। तो अब करेंगे क्या स्टूडेंट्स, यहां पर जरा ध्यान दें, हम लोग लिखेंगे
आर टू इक्वल टू आर टू प्लस आर वन और आर थ्री इक्वल टू आर थ्री प्लस आर वन। मतलब इसमें भी इसको जोड़ दें, इसमें भी इसको जोड़ दें, तो उससे हमारी वैल्यूज यहाँ पर क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और इसी तरह ध्यान से देखें, हमको ये चीज़ लाना है, इतना लाना है, तो उसके लिए इतना जब करें तो देखेंगे किस तरह से बनेगा। ये हमारा क्या है, एल एच एस है, तो स्टूडेंट एल एच एस क्या हो जाएगा, टू टाइम्स। यहाँ पर ज़रा ध्यान दें, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर माइनस ए और यहाँ पर देखें माइनस पी, यहाँ पर क्या माइनस एस। जब इसमें इसको जोड़ देंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर क्या मिलेगा, सी। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, आर। इसमें जब इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, जेड। इसी तरह जब इसमें इसको जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, बी। इसी तरह से इसमें जब प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, क्यू। और इसको इसमें प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, वाई। अब स्टूडेंट्स करेंगे क्या, यहाँ से जरा देखें, ऊपर हमको चाहिए ए पी एक्स, इसमें से माइनस को क्या कर लें, बाहर ले लें, यहाँ से माइनस को बाहर ले लेंगे। देखेंगे इस तरह से माइनस बाहर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ए पी एक्स सी आर जेड और यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, बी क्यू वाई, इस तरह से। अब स्टूडेंट जरा देखें, हमको मिल गया पहला रो, मिल गया ए पी एक्स, अब दूसरा रो चाहिए बी क्यू वाई। दूसरा रो हमारा तीसरे रो में बैठा हुआ है और तीसरा रो दूसरे रो में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर करेंगे क्या, R2 और R3 को, यानी दूसरे रो और तीसरे रो को परस्पर बदल देंगे, तो एक माइनस चिन्ह और बाहर आएगा। क्यों, क्योंकि जब दो आसन्न पंक्तियों अथवा स्तंभों को परस्पर बदलते हैं तो साड़ी का चिन्ह बदल जाता है, ये साड़ी की प्रॉपर्टी होती है। तो स्टूडेंट्स यहां पर करेंगे क्या, या देखेंगे यहां पर R2 और R3 को परस्पर इंटरचेंज कर देंगे। तो स्टूडेंट जब इसको हम चेंज करेंगे तो देखेंगे क्या हो जाएगा, देखें चेंज करने के बाद यहां पर आएगा एल एच एस इक्वल टू माइनस टू। स्टूडेंट जब चेंज कर देंगे देखेंगे यहां पर आएगा ए पी एक्स और यहां पर आएगा बी क्यू वाई सी आर जेड। और स्टूडेंट जरा देखें, जब इसको बदल दिया, एक माइनस यहां पहले से, एक माइनस यहां से आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ऐसे हो जाएगा। तो प्लस आ गया तो प्लस को लिखें या ना लिखें, तो इस तरह से स्टूडेंट्स यह क्या आ गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 आप इस साड़ी के सवाल को इस तरह से ऐसे लगा सकते हैं।